अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका? ठीक है, उम्मीद है आप सब अपने घरों में खैर वाफियत से होंगे। आज मैं आपको फ्रोजन कोफ्ते बनाने का तरीका बताऊंगी, जिस तरीके से मैं बनाती हूँ। ये मैंने चिकन लिया है, ये 2 kg है चिकन का कीमा, और ये है दड़ा मिर्चें, इसमें लहसुन अदरक पाउडर भी मिक्स है, और ये गर्म मसाला पाउडर है 2 टेबल स्पून, और ये है सब्ज़ मिर्चें हैं, धनिया और लहसुन मैंने चॉप कर लिया है, और ये हैं भुने हुए चने और खशखाश। ये खशखाश को मैंने 2 टेबल स्पून धो के अच्छी तरह साफ करके और पीस लिया है, और 2 से 3 जो है ना टेबलस्पून वो मैंने चनों के भुने हुए चने थे उनको गिरिया निकाल के छिलका लदा करके तो वो पीस लिया है, ठीक है। और ये हैं 2 अंडे, तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे मैं मिक्स करूँगी। और 1 चम्मच मैं इसमें ऐड करूँगी नमक, और ये तमाम चीजें इसमें डाल के मैं मिक्स करके दिखाऊंगी भी आपको। ये है गरम मसाला पिसा हुआ, और ये सब्ज़ मिर्ची है, लहसुन और धनिया चॉप किया मैंने, और ये है चने और खशखाश। अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जी ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने तमाम मसाला जो है ना अपने हाथों से अच्छी तरह मसल मसल के से यकजान कर लिया, तो ये देखिए ये मैं बता देती हूँ आपको फिर दोबारा से कि इसमें मैंने 2 किलो चिकन लिया, चिकन का कीमा, और उसके अंदर मैंने भुने हुए चने डाले हैं 3 टेबलस्पून, और खशखाश 2 टेबलस्पून पीस के, और 2 अंडे, और सब्ज़ मिर्चें 4 से 5 तक चॉप करके, और लहसुन 2 टेबलस्पून, और 2 टेबलस्पून जो है वो मिक्स मसाला मेरा और जो मैंने आपको बताया हुआ है, और 2 टेबलस्पून नमक, और फिर 2 टेबलस्पून मैंने इसमें गर्म मसाला पिसा हुआ डाला है, तो फिर मैंने थोड़ा सा इसमें डाला है कुकिंग ऑयल ताकि थोड़ा सा ना जूसी हो जाए, अदरवाइज ये फिर बहुत ही ज़्यादा रुखे रुखे से और खुश्क बनते मेरे कोफ्ते ना, ये चिकन के कोफ्ते बनाने लगी हूँ मैं। अब देखिए कितना अच्छा सा मिक्स हो गया सारा मसाला जब जाओ, तो अब मैं ये बना के बताती हूँ। ये देखें ये देखें व्यूअर्स, ये मेरे कोफ्ते चिकन के कोफ्ते बनके रेडी हैं। ये 2 किलो कीमे के चिकन के मैंने बनाए, ये देखिए तकरीबन 75 ये कोफ्ते बने हैं मेरे ना, तो आप ऐसे भी इन्हें फ्रीज कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा हल्का सा इनको फ्राई करके तो फिर भी फ्रीज कर सकते हैं। अभी मैं आपको फ्राई करके दिखाऊंगी इन्हें। ये देखिए मैंने कढ़ाई में ना तेल डाल दिया, तो अब मैं थोड़ा सा ये ऑयल गर्म होगा तो मैं इसमें डालूंगी कोफ्ते, तो इसे हल्की आंच पे बस हल्के से फ्राई कर लें, और बस फिर ठंडे होंगे तो मैं इसे पैकेट बना के तो फ्रीज कर दूँगी। ये देखिए ये मैं कोफ्ते मेरे फ्राई हो रहे हैं, ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने हल्के हल्के से फ्राई कर लिए कोफ्ते, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही जूसी और बहुत ही सॉफ्ट कोफ्ते मेरे बन के तैयार हुए हैं, ठीक है। तो आप भी इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाइएगा इंशाल्लाह, और कोफ्ते खाली कोफ्ते बनाना चाहें, कोफ्ता करी या आलू कोफ्ते या कोफ्तों के पकलाओ कुछ भी, ये ऐसे आप बना के शॉपर्स में पैक करके फ्रीज कर दें, और जब आपका दिल चाहे निकालें और मसाला बनाएं, और जो चीज़ बनाना चाहें इजीली बना सकते हैं आप। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।